हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है यार मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के एक ऑप्टिफाइन के बारे में। इस ऑप्टिफाइन का नाम है ऑप्टिफाइन वर्जन 4। तो क्या क्या मिलने वाला है एंड आपको इसका यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ एक वर्ल्ड में, आप सभी देख सकते हो, एंड मैंने ऑप्टिफाइन को अप्लाई कर लिया है और क्या क्या चेंजेस आया है। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। देखो भाई, पानी मतलब कभी कभी तो लगेगा, जैसे ऊपर जाता हूँ, देखो ऊपर जाने के बाद लगेगा नहीं पानी यहाँ पर। देखो देखो भाई, इतने दूर ऐसा लग रहा है, देखो पानी है ही नहीं। देखो ऐसे भाई पानी है यहाँ पर, ये देखो पानी है यहाँ पर। तो मतलब क्लियर वाटर मिलता है आप सभी को। अच्छा यार, मुझे तो पसंद है क्लियर वाटर। गाइस सेकंड थिंग जो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आप सभी को कनेक्टेड ग्रास मिलती है। ये देखो जो ग्रास है वो कनेक्टेड है पूरी तरीके से। तो ये कनेक्टेड ग्रास बेसिकली जो आपका वर्ल्ड है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा कलरफुल कर देगी। तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा होगा, कलरफुल हरा भरा आप सभी का वर्ल्ड लगेगा। एंड जो तीसरी बात है जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है या फिर इस क्लाइंट को सिलेक्ट किया है, वो है ट्रांसपेरेंसी। ओके, देखो यहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंट यूआई मिलती है आप सभी को। एंड भाई ये मुझे ना अच्छी लगी, देखो मैं अपना बताता हूँ, एंड जहाँ तक कह सकता हूँ तुम लोगों को भी ये अच्छा लगेगा। जो यूआई है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एंड डेफिनेटली ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यार कभी कभी हम ऐसे काम करते रहते हैं। देखो ऐसे तो होता क्या है, ऐसे कोई ज़ॉम्बी या फिर क्रीपर आके हमारा सारा खेल खराब कर देता है। एंड गाइस जो फोर्थ फीचर इसमें मिलता है वो है यहाँ पे देखो, तो आउटलाइन ओरेज। देखो ओरेज के ऊपर आउटलाइन आती है, तो इनको फाइंड करना आप सभी के लिए भी इजी हो सकता है। गाइस जो फिफ्थ थिंग है वो है यहाँ पर, देख सकते हो मैं इन ब्लॉक्स को तोड़ रहा हूँ, बट कोई भी मेरे को इफेक्ट नहीं दिख रहा, यानी एनिमेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, इससे लैग में कमी आएगी। आपका माइंड का लैग थोड़ा कम करेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक जाएगा, बट थोड़ा कम करेगा लैग। जो सिक्स्थ बात है हमारी, इसमें आप सभी को F1 बटन भी मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास अभी माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है एंड आई थिंक इस ऑप्टिफाइन को ओल्ड वर्जन के लिए बनाया गया है। मतलब इतना ओल्ड भी नहीं, बट इस लेटेस्ट के लिए तो नहीं बनाया गया। अब हम वो चीज़ देख लेते हैं जो हर एक क्लाइंट में अपन देखते हैं, लाइक पंपकिन, कर पंपकिन पहनने पर इफेक्ट आता है क्या? डेफिनेटली आता है एंड कमाल का आता है, देख सकते हो। एंड तो अभी ड्रैगन से फाइट करना आप सभी के लिए बिल्कुल ईजी हो चुका है। एंड जो टेक्सचर है ना वो भी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगी, देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप सभी इसको देखो। ओके, इन सबको देखो, देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को एक बार, ये देखो कैसी है ना, ये कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। तो इसमें ये भी आप सभी को मिलता है, देखो यार मुझे तो पसंद आया ये सब। एंड बात करते हैं अभी ग्लास की, देखो ग्लास कितना कमाल का मिलता है, देखो मतलब यार इसका यूज़ करके तुम कोई बिल्डिंग्स बनाओगे ना तो वो डेफिनेटली कमाल की लगने वाली है। मतलब बिल्ड में भी चार चार लग जाएंगे आपके। देखो यार भाई मुझे तो अच्छा लगा ये ग्लास। अब हम बात करते हैं सेटिंग की, बिकॉज इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उन सबको देख लेना यार। अब हर चीज़ के बारे में बात तो अपन कर नहीं सकते, तो बात करते हैं सेटिंग्स की। तो अपन आगे सेटिंग्स में, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ग्लिचेस देखने को मिल रहा है, बिकॉज आई थिंक ये लेटेस्ट वर्जन के लिए काम नहीं कर रहा ठीक से, यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिचेस है। तो अगर आप सभी इन ग्लिचेस को चला सकते हो, मतलब मैं चला लूँगा ऐसे, तो तुम लोग इस ऑप्टिफाइन का यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी यहाँ पे देखो थोड़े सेटिंग्स को थोड़ी सी इजी कर दिया गया है, लाइक आप सभी को जो कैमरा चेंज करने का ऑप्शन मिलता है ऊपर ही मिल जाता है, हाइड HUD ये सब ऊपर ही आप सभी को मिल जाती है, ये सब काम आप सभी को होने वाला है। वैसे ये कहाँ पर गायब हो गया, आई थिंक समझ में नहीं आया मुझे तो यार। देखो तो थोड़ा सा ग्लिच है एंड इतना तो चलता है यार। ओके, तो देख सकते हो मेरे बटन से ना हाइड हो गए। तो अब लास्ट में करते क्या है, बैक कर लेते यहाँ से एंड इसको होम स्क्रीन पर भी अप्लाई करके फटाफट से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा एंड इसको ग्लोबल में फटाफट से एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, सो गाइज ये देखो ग्लोबल में कुछ ऐसा दिखता है, तो माइनक्राफ्ट को ये टोटली चेंज करता है। मुझे काफ़ी पसंद आया ऑप्टिफाइन वर्जन 4। तुम लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।